वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स वीडियो नंबर 28 क्लास 12। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हमने कि आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में क्या है, कैसे है और उसके सोर्सेस क्या थे। आज वीडियो में हम समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंडिया में अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन ने कितना ग्रोथ किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। तो एजुकेशन में बेसिकली अगर हम बात करें तो तीन सेक्टर होते हैं, पहला आपका प्राइमरी लेवल, दूसरा सेकेंडरी लेवल और तीसरा हायर एजुकेशन लेवल। तो अब हायर एजुकेशन में आपके मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल तमाम आ जाते हैं, उसकी बाद में बात करूंगा, बट बेसिकली तीन ही होते हैं आपके, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और आपका हायर लेवल। तो देखते हैं हमारा पहला एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राइमरी एजुकेशन कैसा है। तो प्राइमरी एजुकेशन कवर्स 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ अ स्टूडेंट एंड क्लास 1 to 8। ठीक है, तो अगर हम इसको इसके बारे में बात करें, क्योंकि इसमें पूरा आपका डेटा ही पढ़ना है, तो क्लास 1 to 8 में और 6 to 14 ईयर्स के लिए अगर हम बात करें तो 1950 में, अगर हम बात करें 1950 में जो देश के अंदर वो आपकी स्टूडेंट की संख्या थी वो थी अप्रोक्सीमेटली 2.23 लाख। ठीक है, 1950 में आपके पास आपकी कंट्री में 1950-51 में लगभग 2.23 लाख स्टूडेंट पढ़ते थे, और आज के समय में हम बात करें 2015-16 की अगर हम बात करें तो लगभग 12.7 लाख स्टूडेंट एनरोल्ड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा चेंज है, लगभग 6 टाइम्स का ग्रोथ देखने को मिला आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में। अब आते हैं, और अगर हम स्कूलों की बात करें तो प्राइमरी स्कूल्स बहुत कम थे और आज के समय में कंट्री में काफी ज्यादा हो चुके हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी एजुकेशन की, तो सेकेंडरी एजुकेशन में भी 1950-51 की अगर बात करें तो आपके पास सिर्फ 7,400 एजुकेशन स्कूल थे, जो कि जिसमें कुल मिलाकर 15 लाख, इतने स्कूल थे जिसमें कुल मिलाकर 15 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते थे। जबकि आज हम बात करें तो आज 2015-16 में स्कूल्स की संख्या बढ़कर हो चुकी है 2.52 लाख और स्टूडेंट्स की संख्या हो चुकी है 3.2 करोड़। इसके अलावा 1987-88 में नवोदय और केंद्रीय विद्यालय ओपन किए गए, आज कंट्री में लगभग 565 नवोदय विद्यालय हैं और जो केंद्रीय विद्यालय जिनको हम सेंट्रल स्कूल भी कहते हैं वो आपके देश में 1128 हैं, जिसमें लगभग 12.6 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन में लगभग आज के समय में 799 यूनिवर्सिटीज हैं जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि पहले 1950-51 में सिर्फ 27 यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। आज लगभग 799 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और 40 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, इनके अलावा इनसे संबद्ध कॉलेज यानी कि यूनिवर्सिटीज से एफिलियेटेड कॉलेज की संख्या लगभग 39,071 हो चुकी है, जिसमें कुल मिलाकर यूनिवर्सिटीज के अंदर 3.46 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं 2015-16 के अकॉर्डिंग। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के द्वारा सिलेबस और अन्य चीजों का रेगुलेशन किया जाता है। ठीक है, ये तो था हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल। अब हम आते हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन का मतलब है कि इस तरीके की शिक्षा देना जिससे बच्चे अपना कुछ रोजगार पा सके। जैसे अगर हमने किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दिया, ठीक है, किसी को फिटर पढ़ा दिया, किसी को कंप्यूटर पढ़ा दिया, ठीक है, ऐसी चीजें पढ़ा दिया, जिन किसी को मेटलर्जी पढ़ा दी, जिससे वो बाद में वो जॉब पा सके, ठीक है, या कोई अपना व्यवसाय कर सके। तो ऐसे कोर्सेज इंडिया में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक अब शुरू किए गए हैं। तो वोकेशनलाइजेशन और सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब हुआ कि ऐसे कोर्सेज पढ़ाना जिनके थ्रू बच्चे को एक स्किल सीखकर और उसका अपना प्रोफेशन बना सके। तो ऐसे में CBSE ने एक कोशिश किया है कि 2012-13 में उसने 11,000 स्कूल ऐसे ओपन किए हैं जिसमें वोकेशनल कोर्सेज बच्चों को दिए जाते हैं, जिनको सीख कर वो अपने हिसाब से अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं। आज के समय में अगर हम बात करें तो 2012-13 के अकॉर्डिंग 11,000 स्कूल्स में ऐसे
10 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल कॉलेजेस की हम बात करें। ठीक, तो टेक्निकल एग्रीकल्चरल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 1951 में लगभग 43 डिप्लोमा लेवल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन थे, जो आज बढ़कर 1914 हो चुके हैं। यानी कि अगर हम बात करें 1951 में ये कितने थे, सिर्फ और सिर्फ आपके 43 डिप्लोमा कॉलेज थे, जो कि आज यानी कि 2017 के लास्ट तक आते थे ये 1914 हो चुके हैं। यहीं के बाद नहीं रुक गई, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो आज कंट्री में लगभग 3400 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिसमें लगभग 1000 तो खाली खाली आपके उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं, जिसकी क्षमता है 15 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाने की। ठीक है, यानी कि इंडिया में जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें हर साल 15 लाख स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 289 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनकी क्षमता है 32,815 स्टूडेंट्स की पढ़ाने की। ठीक है, और डेंटल कॉलेज की बात करें तो 282 डेंटल कॉलेज हैं, जिसमें लगभग 22,680 स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। ठीक, इनके अलावा आपका तमाम एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स, ऐसे तो तमाम कॉलेज एग्रीकल्चरल कॉलेज, ठीक है, और इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तमाम ऐसे और भी आपके साइंस या फिर ऐसे कॉलेज ओपन किए गए हैं जिसमें टेक्निकल या मेडिकल या एग्रीकल्चरल एजुकेशन दिया जा रहा है। लास्ट है टोटल लिटरेसी कैंपेन। तो आपको पता है कि जैसे कि इंडिया में अगर बात किया जाए तो लगभग 11 करोड़ इलिटरेट्स हैं। ठीक है, 11 करोड़ इलिटरेट्स हैं, तो ये संख्या धीरे धीरे कम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि भारत में लगभग 74% ही लिटरेसी रेट है, तो इसको बढ़ाने के लिए भारत में टोटल लिटरेसी कैंपेन नेशनल लिटरेसी मिशन के तहत चलाया जा रहा है, जिसका नाम है साक्षर भारत। और इसकी कोशिश ये है कि भारत में कम से कम हर आदमी लिटरेट हो जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँ कि डिग्री होल्डर हो जाए, बट लिटरेट हो जाए, लिखना पढ़ना कम से कम आ जाए। ठीक है, तो ये था ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब आते हैं देखते हैं कि अभी भी इंडिया में एजुकेशन एक चैलेंज बना हुआ है, ऐसा क्यों? तो पहला, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। ठीक है, स्कूलों की संख्या के मामले की अगर हम बात करें तो स्कूलों से ज्यादा क्षमता हमारे यहाँ, सॉरी स्कूलों की जितनी क्षमता उससे ज्यादा हमारे यहाँ लोग होते हैं, जिनमें से कुछ ना कुछ इलेक्टेड हर साल रह ही जाते हैं। तो ये पहले नंबर, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्टेड, यानी कि इलेक्टेड की संख्या बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से स्कूलों की संख्या कम पड़ जाती है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। हाँ, वोकेशनल कोर्सेज जो हमने आपसे डिस्कस किया वो बहुत कम है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया, हालांकि 10-20 सालों में, उसके पहले था ही नहीं। तो वोकेशनल कोर्सेज ना होने की वजह से लोग पढ़ लिख कर कोई काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो वोकेशनल कोर्सेज की कमी थी। नेक्स्ट है जेंडर बायस। जेंडर बायस का मतलब होता है मेल फीमेल बायस। तो आपने देखा होगा, हालांकि अर्बन एरिया में तो नहीं होता, बट रूरल एरिया में होता है कि लोग लड़कियों को पढ़ाने में विश्वास नहीं करते थे, हालांकि अब ये चीजें बहुत कम हो गई हैं, बट कहीं ना कहीं हैं। ठीक है, जेंडर बायस यानी कि एजुकेशन को लेकर कि एजुकेशन में लड़कियों पर पैसा बहुत कम खर्च करते हैं परिवार वाले, तो ये एक दिक्कत है इंडिया के साथ। लो रूरल एक्सेस लेवल। देखो, गांव में और शहर में अगर हम बात करें तो जो एजुकेशन का लेवल है वो मतलब पैरेलल नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि डिस्पैरिटी है। यानी कि शहरों में अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशंस की संख्या ज्यादा है, व्यवस्थाएं ज्यादा है, फैसिलिटीज आपके पास ज्यादा है, ठीक है, अच्छे अच्छे एजुकेशन लेवल मिल जाते हैं, लेकिन रूरल एरिया में इनका एक्सेस लेवल कम है। यानी कि गांव में ना तो अच्छे स्कूल्स हैं और ना ही अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से गांव से दूर पहुंच हो चुकी है, मतलब गांव की पहुंच शिक्षा से दूर होती चली जा रही है। प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह है कि स्कूलों में प्राइवेट व्यवस्था के आने की वजह से काफी महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से पुअर लोगों से एजुकेशन दूर होता चला जा रहा है। नेक्स्ट है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर हम डेवलप देशों की बात करें तो डेवलप देश अपनी कंट्री का लगभग 8-9% खर्च करते हैं, अपनी जीडीपी का 8-9% खर्च करते हैं एजुकेशन पर। भारत का टारगेट 6% है खर्च करने का, लेकिन भारत अभी भी सिर्फ 4-5% ही खर्च कर पाता है अपनी कुल जीडीपी का एजुकेशन पर। ठीक, तो ये था आपका चैप्टर जिसमें मैंने डिस्कस किया कि एजुकेशन सेक्टर इंडिया में कैसा है और एजुकेशन सेक्टर में इंडिया में चैलेंजेस क्या है।
इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इस चैप्टर में हमने आपको बताया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, उसके दो सोर्सेज मेन बताया आपका हेल्थ और एजुकेशन, और हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में इंडिया में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका फिर हमने बताया कि इंडिया में उसका ग्रोथ कैसे हुआ और क्या क्या चैलेंजेस अभी भी हैं एजुकेशन सेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, वीडियो को आप लाइक करिए हमेशा की तरह, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और मेरे साथ एक बार बोलिए जय हिंद।